चाचा जान कसम से माजरत चाहता हूँ बहुत ज्यादा, वो काम ही कुछ ऐसा चल रहा है, पता नहीं चलता आजकल, मसरूफियत थी ना, आपके पास आ नहीं सका पहले। नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये इफ्रा ने सब कुछ संभाल लिया था, अल्लाह ने बेटे से बढ़कर बेटी दी है मुझे। लो बिल्कुल सही कह रहे आप, ये तो 10 लड़कों में भारी है। क्यों इफ्रा कितनी समझदार है, बस अब दुआ करें कि ऐसी जहानत मेरे अंदर भी दाखिल हो जाए। अरे नहीं, समझदारी तो तुम्हारी है जो अपने घर में और उसने कबूल भी कर लिया। मेरी क्या समझदारी चाचा जान, सारी समझदारी इफ्रा की है, मुझ जैसे जानवर को भी इंसान बना दिया। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों। आमीन, बस आप दुआ किया करें। ये तो बताना भूल गया, अम्मी उनको तो मैं नजर ही नहीं आता, इफ्रा के वारी वारी जाती है बस, मैं तो नजर ही नहीं आता उनको, इसको देखती रहती बस। मैं कुछ खाने का लिया। अरे नहीं नहीं, वो खान सामा साहब हैं, वो हाथ में जायका है उनके, देखना कबाब कैसे बनाएंगे। अबू मेरे होते हुए आप खान सामा के हाथ का खाना ही क्यों खाएंगे भाई, और वैसे शाकिर अंकल ने बहुत अच्छा मुलाजिम ढूंढा है, घर किचन सब कुछ बहुत साफ है। हाँ बंदा तो बहुत शरीफ और अच्छा है, ईमानदार भी है, शाकिर भी आ जाता है रोजाना, अच्छा वक्त गुजर जाता है मेरा। वैसे अच्छा हुआ आज तुम दोनों आ गए, वो अभी एक काम करने के बारे में सोचा था, आज मुकम्मल कर लेता। ऐसा क्या जरूरी काम है अबू? मैंने वो वकील साहब को बुलाया। वकील को क्यों अबू? एक घंटे में मैं केक बेक कर रही हूँ, कोई पकौड़े तो नहीं बना रही ना? नहीं नहीं जी सॉरी, 24 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ता है आपको। आप रेडीमेड बना रहे ना, आप जाकर कहीं बेकरी से खरीद लें। पेंडू लोग। वैसे एक बात पूछूं मामी? मुझे आंटी की कुछ समझ नहीं आई, इतनी सी बात पर इतना सीरियस हो गई? पुरानी आदत है नरगिस की, बचपन से हमेशा मेरा फायदा उठाया क्योंकि मैं छोटी बहन। अम्मी अबू भी जो भी चीजें लाते थे ना, सबसे अच्छी वाली कब्जा कर लेती थी, चाहे कपड़े हो, चाहे जेवर हो, चाहे रिश्ता। रिश्ता क्या मतलब? कुछ नहीं, यार मामी, मम्मी से ज्यादा दोस्त समझती हूँ मैं आपको अपना। कहाँ ना रहने दो, पुरानी बातें याद करके सिर्फ उदासी मिलती है। ये तो अब इंसानों पर डिपेंड करता है मामी, कि वो पुरानी बातों को याद करके उदास होते हैं या फिर उस उदासी से अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की हिम्मत पकड़ते हैं। मैं अपने मुस्तकबिल को रोशन करके क्या करूं, बची कुची जिंदगी आराम सुकून से गुजारना चाहती हूँ बस। क्या उम्र, आप तो जवान है अभी। नरगिस को नहीं सुना था, उसके मुताबिक तुम बुढ़िया हो जिसको बस मर जाना चाहिए। अरे तो मामी अभी तो जवान है आप। इफ्रा मैं सोच रहा हूँ कि ये जमीनें जायदाद दुकानें सब तुम्हारे नाम कर दूँ। क्या हो गया बेटा? ये क्या बात कर दी आपने, ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी दे, ये जायदाद कारोबार सब आपका है। अरे राशि जो कुछ मेरा है वही इफ्रा का है, तो बात तो एक ही है ना बेटे। नहीं नहीं नहीं, एक बात कैसे, इसका नान नफका मेरे जिम्मे है, वो सब मैं करूँगा। आपकी जायदाद है, आपका कारोबार है, आप रखें। देखिए मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, इतनी देर बाद आपको सब कुछ मिला है, थोड़ा इंजॉय तो करें अब। नहीं नहीं अबू, राशिद तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, और फिर मुझसे कोई नादानी कोताही हो जाएगी, फिर किसी मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। इतनी सी बात लेके दिल में बैठ गया, हो जाती गलती, अकलमंद इंसानों से गलती होती है। बस छोड़ें आप चाचा जान, क्या बात कर रहे हैं आप भाई। अब तो मैं वकील साहब को बुला चुका हूँ, और मैंने फैसला कर दिया है कि सब कुछ इसको सौंप के मैं तो पुरसकून हो जाऊँ बस। ये ना करें खुदा का वास्ता, मैं ये इतना सब कुछ मैं तो नहीं संभाल सकती। देखिए मैंने तो फैसला पास सुना दिया, आगे आप दोनों की मर्जी, जो दिल में आए करें। अच्छा फिर
मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये सब कुछ राशिद के नाम कर देता हूँ। अब तुम और राशिद एक ही हो। लो भाई राशिद, तुम्हारा तो सारा मसला ही हल हो गया है। अब फिल्म का हीरो नहीं, प्रोड्यूसर भी होगा। राशिद तो पहले इनकार कर चुके हैं, क्यों राशिद? हाँ हाँ, जाहिर है मैं तो ज़हन में भी बात नहीं आई। लोग क्या सोचेंगे, दामाद होने का फायदा उठा लिया मैंने, कमाल है। अच्छा चलो, वकील साहब को आ लेने दो, फिर कर लेते हैं फैसला। इतनी देर हो गई, शाकिर लाया नहीं उसे। बस एक बार जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर फिल्में फिल्में, शूटिंगे शूटिंगे, रोमांटिक गाने गाने।